हमारा सबसे महंगा रिसोर्ट है ये, तो हम आपको बताएंगे ये एंड में। व्यू गेस्ट रूम के सामने ये बाइक जो है ये श्रीलंका से है। इस बार मैंने है ना जर्नी के टाइम पे ब्लॉग नहीं बनाया। फाइनली रिसोर्ट हम लोग पहुंच चुके हैं और रूम पे जाने के बाद अभी जो है ब्लॉग वगैरह बनाया जाएगा। वही बस एप वगैरह भी निकली थी, जल्दी जल्दी निकले हम लोग, एकदम से प्लान करा। अबू भाई और शिवानी तो भाई सब डरे पड़े पूरी तरीके से, क्योंकि ये जैकेट वैकेट पहन रखी थी इसलिए। आगे चलो, चलो चल दो। रिसोर्ट है जिसमें हम अभी आए सनी मुंडन वैली। इट्स नॉट अ टर्टल बेबी, इट्स नॉट अ टर्टल। अभी यार हम लोग है ना वेट कर रहे हैं, ठीक है, चेकिंग का। तो ये अपना वेटिंग एरिया है, यहाँ पर अभी ये लोग मतलब पासपोर्ट वगैरह हमारा वर्क परमिट लेके चले गए, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने रूम में। अभी आया है जूस, थैंक यू। कैन आई हैव वाटरमेलन जूस? यस। व्हाट डू यू वांट? That one you want? It's not orange juice. This is passion fruit. Okay, okay, try. ऐसा है कभी भी अगर मालदीव आ रहे हो ना आप लोग और तुम्हारी सुबह की मतलब फ्लाइट है और 10-11 बजे आप लोग रिसोर्ट पे आ गए हो, तो एक चीज़ याद रखना कि आप इतनी जल्दी ऐसे है ना आसानी से अपने रूम में जाने वाले हो नहीं, कम से कम भी नहीं 1-2 घंटा लग जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 11:24 और मैं बोला मैंने कहा यार 12 बजे तक हो जाएगा, बोलते कि नहीं सर एक्चुअली जो टाइमिंग है वो 2 बजे का है और अगर उससे पहले जो है रेडी हो गया रूम तो ये हम लोग जो है अंदर चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल अंदर से आपको पूरा रिसोर्ट दिखाऊंगा, बाकी ये फ़िलहाल जो है वो बाहर का है। शिवानी और अब्राहम जो है वो जूस पे रहे अपना, तो मैं थोड़ा यार इधर आ गया बाहर। चीज़ बताओ ये मैंने एयरपोर्ट से खरीदा, ठीक है ना, महंगा जल्दी जल्दी में, क्योंकि है रुक तो जाए यार बात तो करने दे। हैंड वॉश कौन करेगा तेरा बाप? धोऊं या ना धोऊं? जा नहीं धोता, ऐसे ही सबसे हाथ मिलाऊंगा। तो इसने मतलब मैंने जो अपना सनग्लास था वो ऑफिस में छोड़ दिया, तो भाई ये जल्दबाजी में लेना पड़ा, बड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है। बोलो अब्राहम कम यार, देखिए केकड़ा, केकड़ा डर तो नहीं लगता? कमी इतनी लग रही है और वहीं पर ही अभी तक उधर ही बैठे हुए हैं। और इन लोगों ने तो बोल दिया था कि चेंज वगैरह करके आप बीच में चले जाओ, मैं सोच रहा हूँ इकट्ठा एक ही बार जाए रूम में अपना सब सामान वगैरह रखने के बाद। चड्डा जी कुछ बताएंगे? अरे मतलब ये सब जगह ही ऐसा नहीं है, जैसे बहुत से फॉरेन कंट्रीज में भी कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो एक कपल आया हुआ था, उन लोगों ने इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने उसको बोला रशिया से, रशियन है मुझे नहीं पता, तो वो बताया कि ना हमें इंग्लिश नहीं आती, तो एक बार दोबारा बताओ। तो वो मतलब कैसे बता रही ना, जैसे हम बात करते तो हेयर आई स्विम हेयर नो स्विम। तो मेन चीज़ क्या है कि जैसे हम इंडियंस जाते हैं ना कि बड़ी जगह पे सिर्फ शर्म के मारे नहीं जाते कि इंग्लिश नहीं आती, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपनी जो हिंदी लैंग्वेज है हमें लगता है कि हम इंडियंस को नहीं आती, बहुत सी ऐसी कंट्री। मैं तो ज़्यादातर है ना सीरियसली मेरे अंदर आदत है कि मैं रिसेप्शन पे उसको अगर किसी को देखूंगा तो मैं इंग्लिश में बात करने के बजाय मैं हिंदी में पहले स्टार्ट करता हूँ। और ये लोग हैं ना जो मालदीवियन है, अभी ये जो लड़की है ये जिसने मैं मतलब वेलकम किया वो मालदीव से है, तो अभी बस बैठे हैं भाई, सारे लोग चले गए
हम दोनों यहीं बैठे, हमारा रूम अभी हमारा टर्न आ गया। भाई इन लोगों ने ना हमारे हाथ पे ही एक ऐसा बांध दिया कि फुल बोर्ड का, हम लोग फुल बोर्ड के वो हैं, यानी कि इन लोगों के गेस्ट। फुल बोर्ड में क्या होता है कि एक पैकेज होता है, उस पैकेज में आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वो सब होता है। और मैं बताऊंगा एंड में कि यहाँ पर आने में मतलब कितना खर्चा लगा, और मतलब हमेशा कभी भी अगर जैसे मैं मतलब वीडियो बनाता हूँ ना, तो रिसोर्ट का जो हमारा खर्चा है वो अलग होता है, और आप लोग ऐसे टूरिस्ट आ रहे हो तो वो ज़्यादा होता है। तो जो लोकल्स यहाँ के मालदीवियन हैं और जो वर्क परमिट होल्डर हैं, उन लोगों का हमेशा थोड़ा कम रहता है। तो अभी रूम में जाऊँगा चेंज वेंज करके, फिर स्विमिंग पूल वगैरह में जाना है। वेदर अलहमदिल्ला अच्छा है, बहुत अच्छी जर्नी रही है, थैंक गॉड, कल भी अल्लाह ऐसे ही रखे। और अबू भाई अभी आराम कर रहे हैं यहाँ पे, है भाई अबू व्लॉग बनाया, अबू ने अबू के व्लॉग भी इसका जो यूट्यूब चैनल है ना मैं शेयर करूँगा। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर रूम पे। अबू भी तो बना रहे, बिफोर दिस नेम इज कानू होरा राइट, यस दिस रिसोर्ट नेम वाज कानू होरा। ये पुल when I check this one in Google, no, it's showing Kanu in the map. And I already visited Kanu. Is that any island? Which one? Which is close to this resort? For food and dinner? Yes. Yeah, I'm hungry. ये वाले ना, तुम मेरी कोई पैंट वेंट लाई हो तो कच्चे में कैसे जाऊंगा नमाज पढ़ने? आई फॉरगॉट, हाउ डू आई नो यू विल प्रे हियर? दिस इज स्टिल द बीच एरिया फ्रॉम हियर। क्या फ्राइडे जाता नहीं मैं नमाज पढ़ने? मेरी बेइज्जती कर रही है यार। घर पे भी तो पढ़ते हो तो यहाँ भी रूम में पढ़ लेना, जरूरी थोड़ी मस्जिद में जाके पढ़ो बेटा, मिल जाते हैं। नहीं यार दिल शी नेवर आस्क मी इन होल वीक बट फ्राइडे, फ्राइडे एंड रमदान, या Here you guys are allowed kids in water villa? Yeah. तो ये सामने यार वाटर विला है, इसमें अब्राहम को हम लेके नहीं जा सकते क्योंकि बिल्कुल एकदम दोनों साइड से जो है पानी वगैरह रहता है देखो। और ये हमारा विला, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। तो भाई ये है हमारा रूम, और सबसे पहली चीज ये यहाँ का बाथरूम, ठीक है। और ये आगे चड्डा जी, ये है हम। हेलो गाइस, और यार ये देखो ये खुलेगा कैसे,
ये बाहर अपना बैठने का और ये सामने रूम। चटा इधर ही नहा सकते लेकिन इधर जाएंगे नहीं यार, तो क्यों पुल पे जाएंगे। तो भाई हम हो गए हैं रेडी, अभी हम लोग जा रहे हैं पुल पे। अबू भाई जो है ना कपड़े चेंज कर रहे हैं इसकी। क्या हुआ बेटा, पुल के चक्कर में आए वरना क्यों आते यार। हम लोग अभी जा रहे हैं पुल एरिया में नहाने धोने के लिए थोड़ा, और वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि सब फैमिली वाले जो हैं वो देखते हैं, समझ जाओ आप, तो चक्कर में नहीं बनाएंगे। और ये है देखो यार, यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं वाटर विला। राम भाई मुझसे लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि पापा आप मुझे मत सिखाना, मैं खुद नहाऊंगा, खुद जंप करने के लिए बोल रहा है। बताओ ये अभी देख लेंगे वहां जाके कितना जंप करेगा। इनसे इनका पासवर्ड उसमें लिखा होगा यार। कहां पे पेपर पे कैमरा जाती हूं प्लीज, तो मैं खुद ही कर दो ना। यस 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 यस, हमारा सबसे महंगा रिसोर्ट है ये, तो हम आपको बताएंगे ये एंड में। अगर किसी को पूछना है ना तो चड्ढा जी बोल रहे हैं। हाँ, कमेंट करवा, ऐसे नहीं बता रहे हम, पता फिर लोग कहते हैं कि हाँ दिखा रहे हैं कितने लगाते हैं। तो आप बताना हमें क्या था। रेंगो वो पीछे दूर रेंगो ये भाग रेंगो। अबू नहीं यार, मैं अभी है ना अपने लिए ये बनवा रहा हूँ फ्राइड राइस। शिवानी और अबराम गए हैं वहाँ पर, तो यहाँ ये रेड स्लीपर ये फिश है और ये भाई जो है ये श्रीलंका से है। तो मैं अभी जस्ट बनवा, व्हाट्स योर नेम? विमुक्ति। विमुक्ति, आई हैव वन मोर फ्रेंड इन माले, हिज नेम इज विमुक्ति। विमुक्ति इफ यू आर वॉचिंग, लुक द सेम नेम यू हैव, इज ऑल्सो एग फ्राइड राइस। तैयार कि हम लोग है ना नहाने, मतलब ये स्विमिंग पूल में जा रहे थे, तो ये जो कॉस्ट्यूम मतलब ये जो पहन रखे हैं अगर गीले हो जाते तो ये लोग अलाउड नहीं करते, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाने से पहले खाना वाना खा के फिर हम लोग मतलब स्विमिंग पूल वगैरह में जा सकते हैं। यहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं, ये पिकल्ड वगैरह है यहाँ पे, तो जो है यहाँ पर ये सैलड बना रही है भाई, सैलड बना के दे रहे हैं। ये चड्डा चपाती देखना अगर कहीं हो। अबू भाई अबू पापा ये खाएंगे, आप क्या खाओगे? ये खाओगे क्या खाओगे? ये मेरा हो, मैं ये खाऊंगा। ओके, तो आप यू सिट हियर खाओ। तो भाई अबू ये खा रहा है ये सलाद, ये मेरा खाना, और अभी खाएंगे हम खाना है ना। ये सही है मम्मी, ये भी लेके आई। ठीक है ठीक है। और दिस इज आवर व्यू फॉर टुडे लंच। खाना जो है वो हो चुका और अभी हम जा रहे हैं बीच पर, मतलब ऑलरेडी बीच पर है। ये देखो मछली, पापा को घुमाओ ऐसे। नहीं नहीं आप अपने फिरो, पापा इधर बैठो, पापा इधर ही है बेटा। ये अबू देख कितनी प्यारी फिश। ये भी तो यार अभी बस यहाँ पे ये बीच से है ना हम लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं, और ये अबू भाई डरते हैं बहुत ज्यादा, और ये देखो अबू भाई यहाँ पर आराम से मजे कर रहे हैं। अबू भाई मजा आ रही है, बेटा बैठ जाओ आराम से, देखो बैठ के देखो एक बार, अगर बैठोगे तो यहाँ से रख के बैठना, ठीक है? गिरोगे मुंह में पानी जाएगा तो रोना नहीं है, ठीक है? हाँ अभी यार ये स्विमिंग पूल साइड में हम लोग आ चुके हैं और ये हमारी सीट है। अब और शिवानी वो जो है वो दोनों रूम में ही है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, भूख लगी है मुझे, तो यहाँ पर एक इन लोगों ने एक छोटा सा मतलब 24 आवर्स का वो बना रखा है, वहाँ पे जाके कुछ भी आप स्नैक्स वगैरह जो है खा सकते हो। देखो भाई इधर ये बरगद का पेड़, ये तुम कैसा खतरनाक लग रहा है, वो तुम बद मूवी आई थी ना, सेम उसके जैसा लग रहा है। तो ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है यार,
माशाल्लाह इतने अच्छे क्लाउड्स हैं, ये सारी चीजें बैठे हुए यहाँ पर। अबू भाई अपना क्या कर रहे हैं? एडिट कर लो। अपना वीडियो एडिट कर रहे हैं। माशाल्लाह एक चीज देखो यार, ये है ना अपना, ये वीडियो एडिट करने लगे इस पे कैपकट पे, खुद वीडियो वो लगाता है, साउंड वगैरह सारी चीजें खुद लगाता है। और चड्डा जी बैठी है अंदर और हम दोनों बाहर बैठे हैं। बाहर बाहर का तापमान जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। अभी हम जूम करके देखते हैं यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं। अभी जो हम स्विमिंग पे गए थे वो इस जगह पे थे। वो ये देखो अपना भी लोग बना रहे हैं और किस तरीके से बना रहे हैं देखो। ये रखा इसका टेप और ये अभी कर रहा बात। कुछ नहीं बेटा, आप आगे वहाँ पर तो जा नहीं रहे हो उधर दिखाने के लिए, उधर जाके दिखा के आओ। आपके एक मिनट, आपके वो पहनो, स्लीपर्स पहनो, ठीक है? जाओ अभी आगे जाओ, उधर जंगल में वो छोटा सा जंगल है, उधर भी जाओ घूम के आओ, सबको दिखाओ। देखो यार ये है मालदीव्स की खूबसूरती, ये है कोरल। और आप ये चीज़ जो है अगर आप घूमने आ रहे हो तो ये आप लेके नहीं जा सकते हो। अगर आप लेके जाओगे और आप पकड़े गए तो आपको मालदीव्स में जेल हो सकती है, ठीक है? इसको आप टच कर सकते हो, ठीक है? ये रहे। और एक चीज और है कि अगर ये जो कोरल है ना, इसको आप तस्वीर कर सकते हो, लड़के दिखाओ मैं। हाँ देखो आप वो भी व्लॉग बना रहे हैं, जो मैं करता हूँ मेरा बेटा माशाल्लाह वैसे ही करता है। अगर आपको ये हिट किया और आपके मतलब कुछ भी स्क्रैच अगर आ गई तो जल्दी से वो जो है वो ठीक नहीं होता, वो जो घाव होता है। ये देखो ये जो लोग हैं ये कयाक कर रहे हैं। कब और इस विला में रुके हुए यार हम लोग? बहुत सारे वो है यार इधर। क्या बेटा? बहुत सारे वो है पत्थर। आज मैं क्या बोला शिवानी को, मैंने कहा मैं जो है ना यार इधर ही बाहर इधर ही सोऊंगा। क्या हुआ फ्रेंडू? अच्छा छिपकली यहाँ पे बहुत है। अच्छा ये क्या आवाज आई? चाय पी के जाइयो। कहा है ओ येरी वो कैसे भागी? क्या भाग के गई एकदम? तो पूरी बॉडी जो है ना थोड़ी सी यार वो हो चुकी है, क्या बोलते हैं थकान थकान वाला हिसाब, क्योंकि एक दो घंटे हम लोग है ना। सॉरी कार्ड या मेरे पास है, मेरी वॉच ले ले चड्डा बस। तो एक दो घंटे ना हम लोग स्विमिंग पूल में थे। अबू आपका ये कैप रख के आ जाओ अभी अभी। हाँ अभी नहीं चाहिए। तो स्विमिंग पूल में हो गए थे तो फिर आगे घर पे लेट के आने के बाद भाई तबीयत एकदम टायर्ड, मेरे तो ये दर्द हो रहा है क्योंकि स्विमिंग की बहुत देर के बाद। तो ये बग्गी हम लोग को लेने आ चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं बार नंबर 6। नाउ आई एम सिटिंग आउट। लेट्स गो लेट्स गो। चलो चलो कोई भी जा सकता है। यू कैन टेक योर टी। Let's go up. बेटा आओ let's go there. There you go. तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए और ऐसे अंधेरे रास्ते में
सही में यार बताओ, इस जगह पर जैसी मतलब ये लोकेशन है ना, तो इसको बोलते हैं रिसोर्ट। वाओ। और अगर ऐसे हम किसी कहीं पे मतलब जंगल वगैरह में जाए तो फट के 36 हो जाए। मतलब ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो भाई साहब, अंधेरा ही अंधेरा, सुनसान राह पे। अब भाई को हमने पूरा पैक कर दिया है। अच्छा, तुमको भी कर दिया है। अरे चल रे भाई, आज तो तूने सही में भूख लग रही, भूख लग रही तकड़ी वाली। वो क्या खाएगा बेटा? क्या खाएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है अगला दिन की सुबह और आज हम लोग चले जाएंगे घर पर। तो अभी जस्ट बज रहे हैं 10:30 की हमारी है बोट, एंड अच्छा गया है यहाँ पर टाइम। जल्दी सो गया था लेकिन मैं क्योंकि थका हुआ था। अब भाई और ये तो शिवानी दोनों, ये देखो नंगी पंगी, ये वहाँ पर है बेटा, देख उधर हाँ जाके देख, छोटी छोटी बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।